फ्रेंड्स, आज हम आए हैं प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव में, जो कि अहमदाबाद में लोकेटेड है। इस बार यहाँ पे एंटर होते ही आपको दिख रहा है कि कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे। 600 एकड़ जमीन पे ये पूरा महोत्सव बनाया हुआ है। हम जा रहे हैं कृष्ण लीला का लोक नृत्य देखने। देखेंगे अवर इंडिया। यहाँ पे पब्लिक ज्यादा होने की वजह से लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। हर एक शो में हाफ आवर से ज्यादा वेटिंग टाइम है और यहाँ पे हम लाइन में खड़े हैं। इस साल हम मना रहे हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। इस अवसर पर आइए सबसे पहले याद करें पिछले 75 वर्षों से हमारी सरहदों की रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों के बलिदानों को। बस बस और नहीं खा पाऊंगा। एक रोटी और बेटा, वैसे साल में तो एक ही बार तो आता है। अरे दिवाली पे राखी तो क्या करूं, राखी भी तो आप कभी आते नहीं, तो मेरे लिए तो जब भी मेरे भैया मिले तभी राखी और तभी दिवाली। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको लड़का हुआ है। मेरा प्यारा फरिश्ता। यस सर। कैप्टन, देयर इज एन इमरजेंसी, आपको अभी सरहद पर रिपोर्ट करना होगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम, मैं अभी निकलता हूँ। लेकिन आपकी वाइफ से तो मिलते जाइए। डॉक्टर, इसकी माँ से कहना इसके पिता को भारत माँ ने पुकारा है, हर युद्ध के मैदान में एक पल की भी देरी दुश्मन को जीत दिला सकती है, और ऐसा ये भारत माँ का बेटा हरगिज होने नहीं देगा। दिल के टुकड़े को दिल से जुदा किया,
आंख से बहते आंसू को जज्बे से पोंछ दिया। वतन से बढ़कर किसी को नहीं चाह, इस मिट्टी से हसी किसी को नहीं पाया। हमेशा दिल से सिर्फ एक आवाज आई, मां बस तेरे आ जाऊं काम, तुझ पे हंसते हंसते हो जाऊं कुर्बान। कभी महलों की नहीं रखी ख्वाहिश, कभी मखमली बिछोने की नहीं की फरमाइश, कभी त्योहारों के जश्न नहीं देखे, कभी बच्चों के बचपन नहीं देखे। हमेशा दिल से सिर्फ एक आवाज आई, मां बस तेरे आ जाऊं काम, तुझ पे हंसते हंसते हो जाऊं कुर्बान। तब रेगिस्तान हो या बर्फ का तूफान, समंदर की लहरें हो या जंगलों के घेरे, इनके कदम ने रुकना नहीं सीखा, किसी के आगे झुकना नहीं सीखा। ये खून की होली खेले, हंसते हंसते सीने पे गोली झेले, देश के खातिर जिंदगी पाई, दिल से बस ये आवाज आई, मां बस तेरे आ जाऊंगा, तुझ पे हंसते हंसते हो जाऊं कुर्बान। भारत मां से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं, इस पे मर मिटने वाला मर के भी मिटता नहीं। सैनिक की एक एक सांस देश की सुरक्षा के लिए समर्पित है, लेकिन किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए केवल बाहरी सुरक्षा पर्याप्त नहीं होती, उसे अंदर से भी मजबूत बनाना होता है, और उसके लिए सिर्फ सरहद पे डटे सैनिक काफी नहीं है, उनके साथ हम सबको भी, भारत के एक एक नागरिक को भी सैनिक बनना होगा। हम भी भारत के सैनिक हैं, इस सोच से काम करना होगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि हम तो साधारण नागरिक हैं, कोई जॉब करता है तो कोई बिजनेस, कोई दुकान संभालता है तो कोई घर, तो हम भला कैसे सैनिक बन सकते हैं? बन सकते हैं, हम भी सैनिक बन सकते हैं। शाम को पापा टेडी बेयर के साथ कितने काटूंगा? आज मैं शाम को 4 बजे ही आ जाऊंगा और आपके लिए मार्केट से रसगुल्ले लेकर आऊंगा। बहुत पसंद है आपको? हाँ। लव यू बेटा, खूब खूब खुश रहो। अच्छा अभी पापा ऑफिस के लेट हो रहे हैं तो निकलते हैं। दादाजी। जी बेटा। पापा अभी तक क्यों नहीं आए? पापा बस आ ही रहे होंगे, मेरी अभी बात हुई उनसे, ऑफिस से निकल चुके हैं, वो मिठाई की दुकान है ना बस वहाँ थे। पर पापा ने तो कहा था 4 बजे तक आ जाएंगे और अभी तक नहीं आए। बेटा पापा आने ही वाले, चलो तुम तो अपने दोस्तों के साथ केक काटने की तैयारी करो, आओ। फोन आ गया। हेलो, क्या एक्सीडेंट? कब, कैसे, कहाँ? हाँ हाँ हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर अभी कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं है। सर पे चोट लगने के कारण वो कोमा में चले गए हैं। काश विपिन ने मेरी बात मान ली होती। वैसे बिट्टू टेडी बियर देख के खुश हो जाएगा। रसगुल्ले देखकर ज्यादा खुश हो जाएगा। मेरे साथ घर तो चल रहा है तू? नहीं यार, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, मैं शाम को आता हूँ, बच्चों को भी तो लाना है भाई। अरे हाँ, पार्टी का मजा तो बच्चों के साथ ही है।
तेरा हेलमेट कहाँ है? डिक्की में। गजब आदमी हो यार, डिक्की में रखने के लिए हेलमेट खरीदा है। निकालो यार, पहनो। अरे यार 10 मिनट का रास्ता है, फिर से उतारना पड़ेगा, और हेलमेट लगाना मुझे पसंद नहीं। वो तो बिट्टू ने दिया था तो मैंने लगा लिया था। लेकिन फिर भी सेफ्टी। अरे लेकिन बेकिन छोड़, ये हेलमेट का बेकार का बोझ सर पे लेके कौन घूमे? अच्छा बिट्टू मेरा वेट कर रहा होगा, तुम शाम को टाइम पे पहुंच जाना। ओके बाय। चल बाय। आज मैं शाम को 4 बजे ही आ जाऊंगा, आपके लिए मार्केट से रसगुल्ले लेके आऊंगा। हेलमेट का बोझ अपनों के दुखों के बोझ से बहुत हल्का होता है। ये बात अगर विपिन समझ लेते तो ये हादसा ना होता। हम अपनों की खुशियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम ही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी हैं। माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, दोस्त, कितना खुशियों से भरा संसार होता है हमारा। पर ये सारी खुशियां हम सिर्फ एक लापरवाही से एक पल में तबाह कर देते हैं। केवल भारत में ही सड़क दुर्घटना में रोज 400 लोग मरते हैं। कभी मोबाइल पर बात करते करते ड्राइविंग करते हुए, कभी बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते हुए, कभी सिग्नल तोड़ते हुए, तो कभी स्टंटबाजी करते हुए। और जब किसी की मौत होती है तो एक इंसान की मौत नहीं होती, एक पति पत्नी बेटे या बाप की मौत होती है, एक डॉक्टर इंजीनियर या साइंटिस्ट की मौत होती है। और बात केवल ट्रैफिक के नियमों की नहीं है, देश का हर एक नियम, हर एक अनुशासन हमारे भले के लिए और देश के विकास के लिए होता है। इसलिए एक सैनिक की तरह डटे रहकर हर एक नियम का पालन करें। हमेशा याद रखें कि हम भी भारत के सैनिक हैं। प्रभु स्वामी महाराज भी हमेशा कहा करते थे। ये लाइट क्यों जल रही है? सूरज की रोशनी भी कम पड़ रही है क्या, जो दिन में बल्ब जला रखा है? सॉरी सॉरी मेजर साहब, गलती हो गई। अरे मुन्ना, ये बाल्टी भर गई है, नल तो बंद करो, कितना पानी बह रहा है। सॉरी मेजर साहब। अरे मेजर साहब आ गए। दादाजी यहाँ क्या हो रहा है? बेटा आज शहीद दिवस है, जो लोग देश के लिए अपनी जान दे देते हैं उनकी याद में शहीद दिवस मनाते हैं। उन शहीदों को आज हम माला चढ़ाएंगे। दादाजी जब आप आर्मी में थे तब आपने भी कई सैनिकों को शहीद होते हुए देखा होगा ना? हाँ बेटा। अरे भाई आज छुट्टी है तो चलो कोई फिल्म देखने चलते हैं। हाँ भाई, शहीद दिन का कार्यक्रम तो निपट गया। परिमल ये क्या बोले तुम, कार्यक्रम निपट गया? तुम यहाँ कार्यक्रम निपटाने आए थे? जवानों की कुर्बानी को मजाक समझ रहे हो? अरे नहीं मेजर साहब, हमारे कहने का मतलब देश के नियमों का पालन करें, पानी बिजली और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। हम यहाँ प्रेक्षक बनकर आए थे लेकिन अब सैनिक बनकर चलेंगे।
यहाँ नाइट में ये पूरा महोत्सव पूरा लाइटिंग से चकाचौन रहता है। आज मैं अपने कैमरामैन को बहुत मिस कर रही हूँ। चलो वो नहीं है तो खुद ही सेल्फी वाला वीडियो ले लेती हूँ। फिर से सेल्फ वीडियो विथ मम्मी। फाइनली हमें दिख गई प्रमुख स्वामी महाराज की मूर्ति। यहाँ पे 25 से 30 जितनी प्रेमवती है जहाँ पे एकदम सस्ता खाना मिलता है। ये प्रमुख स्वामी जी की जो प्रतिमा जो आप देख रहे हो वो बबल रैप से बनाई हुई है। ये जो पूरा मंदिर है वो सेम दिल्ली अक्षरधाम का कॉपी है। ઘર સભાની વાત કરી કે ઘરમાં બેસીને ભેગા બેસીને કંઈ રામાયણની વાત કરે, મહાભારતની વાત કરે, સત્સંગની વાત કરે તો એ કુટુંબ સંપન્ન, સુખી સંપન્ન હોય, શાંતિવાળું હોય અને બધું હોય। ઘર સભા કા ઉપહાર દેકર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને હમારે પરિવાર મેં માનો જાદુ કર દિયા। અબ તો પરિવાર મેં બસ ખુશિયા હી ખુશિયા હૈ। સુનિયે, आप निश्चिंत होकर कारोबार संभालिए, पिताजी की सेवा मैं कर लूंगी और घर का सारा काम भी संभाल लूंगी। और बहू, मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ। भैया, अब बंटवारे की चिंता मत करना, पिताजी जो भी तय करे वो मुझे मंजूर है। मुझे भी, क्योंकि रिश्तों की कीमत दौलत से ज्यादा होती है। दादाजी, मुझे पापा पर बोझ नहीं बनना, साइकिल तो है ही, मैं उसी से काम चला लूंगा।
देखा, इस घर सभा ने तो बच्चों के संस्कार ही बदल दिए। हाँ, एक छोटी सी घर सभा ने हमारे परिवार की बड़ी बड़ी समस्या को सुलझा दिया। प्रमुख स्वामी महाराज सच कहते हैं, घर के सारे दुखों की एक ही दवा है घर सभा। उनके इस एक उपहार ने हमारे परिवार को आनंद से पूर्ण कर दिया। ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, किंतु पर्यावरण की कीमत पर नहीं। हमारे अल्ट्रा मॉडर्न शहरों को भी हम वृक्षों से सजाएंगे। भविष्य में हम आकाश में उड़ेंगे, स्मार्ट घरों में रहेंगे, किंतु ये आधुनिकता हमारे परिवार की एकता को तोड़ नहीं पाएगी। स्मार्ट घरों में भी हम घर सभा तो अवश्य करेंगे। भविष्य में टेक्नोलॉजी का बहुत विकास होगा, लेकिन हम मानव को मशीन नहीं बनने देंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने दिए हुए संस्कारों से हम मानवता को हमेशा जीवंत रखेंगे। हम नशा नफरत से दूर रहेंगे और ऋषि में प्रेम और करुणा बढ़ाएंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे दिलों में श्रद्धा और भक्ति के जो दीप जलाए हैं, उन्हें हम कभी नहीं बुझने देंगे। हाँ, वो श्रद्धा ही तो है जो हमारे अधूरे जीवन को पूर्ण करती है। भगवान में श्रद्धा, सच्चे संत में श्रद्धा, जीवन में श्रद्धा। इस श्रद्धा के साथ हम ऐसे भविष्य का निर्माण करेंगे जिससे हमारे देश का गौरव बढ़ेगा, समग्र मानवता का गौरव बढ़ेगा और पूरा विश्व सुख शांति और समृद्धि से पूर्ण रहेगा। करता है। स्वामी जी तेरे घर नहीं आएंगे। जय 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 हो स्वामी नारायण, जय जय हे प्रमुख स्वामी, शत शत नमन। शंभु, तेरे चेहरे की मुस्कान देख हम सबकी यात्रा की थकान दूर हो गई। मेरे है प्रमुख स्वामी, मेरे है, मैं उनका हूँ बापा, मेरे है। जय हो प्रमुख स्वामी, जय जय हो, जय हो प्रमुख स्वामी।
कल थोड़े बहुत सोच देखने के बाद दूसरे दिन मॉर्निंग में हम फिर से निकल पड़े बाकी के सोच देखने के लिए। लेकिन यहाँ का सुबह सुबह का नजारा इतना अच्छा था कि मैं रोक नहीं पाई अपने आप को ये शूट करने को। आहा हा, गुलाबी ठंडी और ये सुबह सुबह का ताप, ये मिल जाए ना तो दिन बन जाए। इतनी सुबह में ज्यादा भीड़ भी नहीं होती तो यहाँ की मॉर्निंग और भी पीसफुल लग रही थी। अयोध्या में वे नित्य देव दर्शन के लिए मंदिर में जाते थे। करुणा मूर्ति उन्होंने मीन सरोवर के किनारे सभी प्रभावित हुए थे। लाखों जीवों के कल्याण हेतु उन्होंने 11 वर्ष की छोटी सी आयु में मन त्याग करके हर रोज प्रातः 4 बजे सरयू नदी में स्नान करने के आमंत्रित हुए थे और 1,00,000 रुपए की आमदनी वाले करोड़ों बिच्छुओं के डंक लगने की पीड़ा हो जाए किंतु उन्हें ऐसा कष्ट नहीं होना चाहिए। अपने स्वरूप को या संज्ञान को दूर करते हैं। वे हमें समझाते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप आज से वस्त्र और पूर्ण वस्त्र को धारण करने वाला भी है। सारे सोच को शूट करके नहीं दिखा सकती आपको क्योंकि सारे दिखाने लग जाऊंगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये बालनगरी में तो सबसे ज्यादा पब्लिक थी आज। वेटिंग टाइम 2-3 आवर्स का सभी सोच में था। अमेज़न के जंगल के कमल के पान है। ये तकरीबन 30 केजी के आसपास वजन उठा सकता है। आप देख ही सकते हो इस वीडियो में। ये यहाँ के भोजनालय में लेडीज की लाइन है और वहाँ पे जेंट्स की बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है भाई खाने के लिए।